गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। सुबह हो चुकी है फाइनली, और मैं और मेरा भाई अपने खेत में खेती कर रहे हैं, यानी कि अपनी फसल काट रहे हैं। हाँ चलो भाई, फिर सारी की सारी फसल काट लेते हैं, एंड इसको काटने के बाद हमें अपनी नई फसल भी तो लगानी है। हाँ ये फसल बहुत ही बड़ी हो चुकी है, लेकिन भाई ये देख हमारे खेतों के बीचों बीच में ये क्या है, लगता है ये बहुत ही बड़ा रॉक है, यानी कि पत्थर है। ओ ये कोई और ही है, ये तो लूनार मून का बच्चा है। अबे नहीं, लेकिन ये हमारे खेत में क्या कर रहा है, भागो, ये हमारी सारी खेती खराब कर देगा। अबे यार ये कोई, अरे रुक जा मैं इस पे मीट डालता हूँ। अबे शांत हो जा लूनार मून के बच्चे, शांत हो जा। भाई ये तो एकदम पगला ही गया है। अबे इसको क्या हो गया है, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, पता नहीं ये लूनार मून का बच्चा हमारे खेत में कैसे आया। ओ शिट, ये हमें देख, ओ नो, लेकिन वेट, हमारे पीछे ये कौन आ रहा है, उसके पापा। अबे भाई यार ये लोग पागल है क्या, तूने मेरे बच्चे को सताया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक मेरा बच्चा मना नहीं करेगा। तुम दोनों को अब मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चों, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, मेरे इकलौते बच्चे को तूने परेशान किया, ये ले रुक जा, कहाँ भाग रहा है। शांत रहे भाई, शांत रहे, हम लोग छुप गए यहाँ पे, शांत रहो गाइस, हमें चुपके चुपके से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यार ये लूनार मून का बच्चा तो बड़ा खतरनाक निकला, इसके पापा हमारे पूरे खेत में घूम रहे हैं हमें ढूंढने के लिए, लेकिन हम यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे हैं। यार हम बहुत ही गंदा फंस चुके हैं। अबे यार भाई ये सच में बहुत ही खतरनाक निकला लूनार मून का बच्चा, यार इसने तो हमें फंसवा दिया अपने पापा को बुला के। चल यहाँ से निकलते हैं फटाफट, वरना वो हमें देख लेंगे। जल्दी भागो जल्दी, फटाफट, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ ये कौन आ गए यहाँ पर, अबे उसकी मम्मी यहाँ पर कैसे आ गई। अबे यार बहुत ही परेशान कर रहा है मेरे को। अच्छा तो तुम वही हो जिसने मेरे बच्चे को परेशान किया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम दोनों ने मेरे बच्चे को बहुत मारा, ऐसा उसने मुझे बताया है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुको मैं उनके पापा को बुला के लाती हूँ। पापा ये देखो डैडी यहाँ पर ये खड़े हुए दोनों, इनको जान से मारो। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं जान से मार दूंगा, मुझे भी इनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, इन्होंने हमारे इकलौते बच्चे को परेशान किया है, और दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे बच्चे को परेशान कर सके। हा 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 हा, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। नहीं नहीं भागो यहाँ से, अरे भाई जल्दी भागो यहाँ से, हम लोगों ने इतना किसी का क्या बिगाड़ा है, अरे भागो वो लोग पीछे आ रहे हैं। अबे यार जल्दी जल्दी। अबे यार ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए, अरे नहीं लूनार मून की फैमिली पीछे ही पड़ गई, अरे नहीं भाई जल्दी भागो यहाँ से, अबे ये हमें जान से मार देंगे, ये बहुत गुस्सा है हमसे। शिट यार शिट, पता नहीं ये लोग कहाँ तक मेरा पीछा करने वाले हैं। अरे ये तो यहाँ भी आ चुके हैं, जल्दी ब्रो यहाँ से निकल, टाइम बिल्कुल नहीं है। पता नहीं ये दोनों यहाँ से कहाँ गायब हो गए, अगर ये मेरे हाथों लग जाए ना तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बच्चे मुझे पता नहीं है ये दोनों कहाँ चले गए। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, एक बार रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो, कार से कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, चाहे तुम कहीं भी भाग क्यों ना जाओ। अरे यार हमें तेरे हाथों से मरना नहीं है, हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं, जल्दी भाग, इसको उड़ाता हूँ, रुक जा भाई। अभी भाई ये देख मैंने इसको अपने ट्रक के पीछे बांध लिया है, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत परेशान किया है, दिमाग खराब हो चुका है मेरा। हाँ भाई तूने बहुत अच्छा करा, ये ज्यादा उड़ रही थी ना, रुक जाओ करे पड़ी थी, अब इसको मजा चखाते हैं हम लोग। अरे अरे ये क्या कर रहे तू, अबे 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 अबे, अरे भाई
तूने तो उसको जान से मार दिया। ये देख, मैंने इसकी चटनी बना दी। इसकी मैंने इतनी बुरी हालत कर दी है ना कि ये दोबारा कभी परेशान करने का मैं सोची की भी नहीं। हाँ भाई सच में, अब ये हमें जिंदगी में कभी परेशान भी नहीं करेगी क्योंकि इसको पता लग चुका है हम लोग कितने खतरनाक इंसान है। लेकिन एक सेकेंड, उसका बेटा और उसके हस्बैंड आ चुके हैं। अभी उन्हें पता लग गया कि हमने उसकी वाइफ को परेशान करा है। तूने मेरी मम्मी को परेशान करा और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पापा इसे मारो पापा। हो 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 हो, चिंता मत कर बेटा, मैंने इनकी बहुत ही बुरी हालत कर दी है और अब तू कौन आ गया? तू कौन है क्या तू भी अपनी जान से खोना चाहता है? बच्चा ये कौन है, तू क्या जानता है इसको? नहीं पापा, मैं इसको नहीं जानता हूँ, पता नहीं ये कौन है। पापा ये भाग रहा है, इसे पकड़ो पापा, पकड़ो, मारो इसे पापा जल्दी। कहाँ भाग रहा है बच्चे, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने क्या सोचा मैंने उन दोनों को मार दिया तो तू मेरे हाथों से बच जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये देख मेरा कमाल, मैंने किसी को नहीं छोड़ा इस पूरी दुनिया में, तो तुम लोग कौन होते हो? हाँ अबे भाई, हम दोनों ये कहाँ पर आ चुके हैं? शिट, हम तो रोड पे बेहोश हो गए थे और हमें होश आ चुका है और हमारी HP बहुत ही कम है। भाई बहुत भूख लग रही है, गोल्डन एप्पल खाते हैं। हाँ भाई बहुत जोरों की भूख लग रही है, चल चल हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ना, लूनार मून ने हमें बहुत मारा और वहाँ से निकाल के फेंक दिया। लेकिन शांत रहे, मुझे लगता है वो भी इसी सिटी के अंदर है भाई। हाँ भाई मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास है, इसलिए हमें वेट, ये रहा सामने लूनार मून, तो सामने ही है वाटर के अंदर। अबे हाँ वो सामने खड़ा है वाटर में, लेकिन हम लोग क्या करें, इसका बच्चा भी तो है यहाँ पे, कहीं हमें देख ना ले। ओ शिट, उसने हमें देख लिया और मैंने उसके बच्चे को एक झापड़ मार दिया। अबे भाई तूने बहुत गलत करा, कहीं उसको गुस्सा ना आ जाए लूनार मून को। अबे भाई ये तू बहुत गलत कर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है भाई, ऐसा नहीं करना था। ये देख लूनार मून को गुस्सा भी आ गया एंड ये बाहर निकल के आ चुका है। अरे नहीं जल्दी भाग यहाँ से वरना ये हम दोनों को मार देगा। अरे यार अब हम लोग क्या करें? गाइस देखो, सो गाइस ये देखो, लगता है लूनार मून यहाँ से भाग चुका है और लगता है वो हमारे वर्ल्ड में नहीं है। जल्दी भाई निकलो यहाँ से इससे पहले वो आ जाए। ये क्या है? अबे वो तो हमारे पीछे खड़ा है। अरे मेरे को लगा वो भाग गया। यार इसने पूरे पूरे वर्ल्ड में तूफान मचा के रखा है। अरे ओ शिट भाई ये क्या कर रहे है? अबे इसने ब्लास्ट कर दिया। अबे ओ शिट, इसने इतनी बड़ी मूर्ति जमीन पे गिरा दी, वो भी अपने ऊपर। अबे लगता है लूनार मून खुद ही मर गया। ये भाई वो तो मर चुका है। भाई कितना पागल था लूनार मून, ये तो खुद ही मर गया। इतनी जायंट मूर्ति इसने अपने ऊपर ही गिरा ली, ये तो एक नंबर का पागल। लेकिन इसका बच्चा तो यहाँ पर घूम रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अबे नूबड़े बच्चे क्या तू नहीं मरा? अबे तू जिंदा कैसे है, हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? अबे सुन ले, हमारी कोई बात अपने पापा मम्मी से मत कहना वरना तेरे को बहुत मारूंगा। हाँ बहुत मारूंगा, निकल यहाँ से। अरे 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 मेरे ऊपर चढ़ गया भाई, ये देख ये तो बहुत शैतान है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं आज। अबे वो तेरा दोस्त है भाई, वो तेरे से मजे ले रहा है, कितना मस्त लगा तेरे को भाई, तेरे सर के ऊपर ये मस्त लग रहा है, लग रहा है कोई बास्केटबॉल खेल रहा हो। अबे यार चल इसके साथ बास्केटबॉल ही खेलते हैं आज, तो बहुत मजा आएगा। चल ये देख मैंने बास्केट में डाल दिया। वाओ कितना मस्त तूने गोल कराई, ये व्हाट अ गोल ब्रो, मस्त भाई ये गेम मस्त है। हाँ भाई बहुत मजा आ रहा है इस लूनार मून के बच्चे के साथ खेलने में। और अब तो ना इसकी मम्मी और ना इसके पापा, ये अकेला बच्चा है जो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। ये हाँ अब ये हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा,
लेकिन ये कहाँ गया? अरे छोड़ो उसको, जाने दो, चलो अभी हम लोग चलते हैं वो के सामने। अरे सो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं काफी दूर, रात भी होने वाली है, शाम का मौसम है, आप लोग देख सकते हो सूरज ढलने वाला है। एंड ये कौन है यहाँ तो? अबे ये तो हमारी दोस्त है, जो कि इस पे तो बहुत सारे पैसे हैं, थोड़ा पैसा हमें दे दे ताकि हम कुछ खा सके यार। अबे यहाँ पर एक नई शॉप खुली है, एंड ये शॉप तो इसने खोली है ना, इस जोकर जैसे इंसान ने, लेकिन यहाँ पर क्या सेल कर रहा है? रुक जा, देखने दे आखिरकार ये क्या बेच रहा है यहाँ पे, हमको भी चेक करना चाहिए। अबे वो कपड़े बेच रहा है, कपड़े भाई, लेकिन ये गद्दार हमें पैसे नहीं देगा। अबे कुछ पैसे दे भाई, भूख लगी है, या फिर पहनने के लिए कपड़े दे दे, कुछ तो दे भाई। हाँ यार कुछ तो दे दे हमको, हमको प्लीज कुछ दे दे, हम पे पैसे नहीं है, हम तेरे पैसे कल दे देंगे। मैं कहता हूँ यहाँ से निकल जाओ, भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है मेरे पास, निकलो यहाँ से वरना पुलिस को कॉल लगा दूंगा और तुम्हें पिटवाऊंगा बहुत, निकलो भागो। हाँ ठीक है जा रहे हैं, ज्यादा भाव मत खा, अभी तो बहुत ही बुरा इंसान है यार, भलाई का जमाना ही नहीं है भाई। यार रात हो गई है और हम लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, बट कुछ भी हमें अभी तक मिला नहीं है। लेकिन वेट, ये हमारा पुराना घर है और यहाँ हम लोग आज की रात गुजार सकते हैं। हाँ वैसे भी बहुत रात हो चुकी है एंड हमें यहीं पे सोना पड़ेगा। ओ ये क्या, अरे लूनार मून की लैंडिंग कहाँ से हो गई, ये कहाँ से टपका? अरे शिट, ये तो बहुत ही गुस्से में है। अबे ये कहाँ से आ गया? अब एक और मुसीबत हमारे सामने आ गई है, ये डायरेक्ट आसमान से आया है, लगता है बहुत ही सॉफ्ट लैंडिंग करी है इसने। अबे तो बड़ा हो रहा है, अरे कुछ कर यार, मेरे को ड्रामा नहीं करना दोबारा से। तूने मेरे बेटे के बच्चे को परेशान किया और मैं उसका दादा हूँ, जो मैं तेरे से बदला लेने के लिए आया हूँ भगवान के पास से। अब तू नहीं बचेगा बच्चे, मैं उसका दादा हूँ और वो मेरा पोता है जिसको तूने मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बच्चे, तूने मेरी जिंदगी खराब करी है, वो मेरा इकलौता बच्चा है जिसको तूने परेशान करा है, तू मुझे शायद जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मिस्टर लूनार मून। और अब तुम दोनों कौन हो? लगता है तुम लोग कोई टीवी मैन हो। अरे वो दोनों कहाँ चले गए और तुम दोनों मेरे सामने क्या कर रहे हो? तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें भी मार दूँ? मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, कौन हो कौन तुम लोग? अबे भाई वो देख सामने घूम रहा है लूनार मून, सामने बिल्डिंग की तरफ, शांत रहे, वो मैं देख ना पाए और वो टीवी मैन के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ भाई वो तो मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये भड़क चुका है इन दोनों के ऊपर और ये आज इनको खा के ही मानेगा, इसको भूख लगी है मुझे लग रहा है, आज तो ये टीवी शो वाले गए काम से। सच में लगता है वो लोग गए, सच में गए भाई, बहुत डर लग रहा है, क्या करूं। अबे डर तो मुझे भी लग रहा है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। ये रख भाई, शॉवल रख, ये काम आएगा। भाई शांत रहे, भाई बात सुन, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने उसके बच्चे को परेशान किया तो पहले उसके पापा आए, फिर उसकी मम्मी आई और अब उसके दादाजी आ गए। भाई ये फैमिली है या फिर पूरी जॉइंट फैमिली है? हाँ भाई वही मेरे समझ नहीं आ रहा है, कोई ना कोई आया पड़ा है। और तेरे को पता है दादाजी ये क्लेम कर रहे हैं कि वो आसमान से आए भगवान के पास से अपने पोते का बदला लेने के लिए, भाई ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं भाई, मेरे को तो मुझे लगता है भगवान। अरे नहीं, अरे भाई तू उसका ही नाम ले रहा था एंड वो आ चुका है। भाई लगता है ये 100 साल जिएगा, 100 साल, इसका नाम लिया और ये हाजिर हो गया। शिट, अब क्या करें। अरे मुझे छोड़ दे लूनार मून के बच्चे। सबसे पहले तो तू मेरा नाम तमीज से ले, तेरे को पता है कि मैं कौन हूँ, मैं आसमान से आया एक लूनार मून हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे 1 मिनट के अंदर भस्म कर सकता हूँ। हाँ।
अरे नहीं, हमें छोड़ दो प्लीज। अबे नहीं, कूदो 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 कूदो, भागो यहाँ से भाई, जल्दी भागो यहाँ से, अभी ये जिंदा हो चुका है भाई, कुछ करो। शिट यार, कुछ क्या, कुछ क्या करें, क्या करें। अबे भाई, इसको तो ट्रैप से भी कुछ नहीं हो रहा है, एनविल से इसको कुछ भी नहीं हुआ। चल देखते हैं सेकंड ट्रैप से इसको कुछ होता है कि नहीं, ये ट्रैप होता है यहाँ पे कि नहीं होता है। अरे हाँ, अबे भाई ये तो ट्रैप हो चुका है, सच में ट्रैप हो गया हमारे जाल में। ये मजा आ गया भाई, हम दोनों ने मिलके एक बहुत ही बड़े लूनार मून को कैद कर लिया, और ये बहुत ही अच्छी बात है भाई, मजा आ गया। हाँ सच में भाई, अबे अरे ये क्या कर रहा है। अरे भाई ये सच में बहुत ही ज्यादा स्केरी है। अबे ये करना क्या चाहता है, लगता है ये यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है, और ये तो यहाँ से बाहर भी निकल चुका है। फिर ये करना क्या चाहता है, लूनार मून मेरे को छोड़ दे भाई, भाई मेरे को छोड़ दे प्लीज, मुझसे गलती हो गई।